नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 19 जनवरी 2024 से ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा ग्रही बदलाव होने वाला है। देव गुरु बृहस्पति बलवान होने वाले हैं, तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 19 जनवरी 2024 को देव गुरु मंगल से प्रभावित राशि मेष राशि में पूर्ण रूपेण बलवान हो रहे हैं। बाल अवस्था को छोड़कर युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं और 10 मार्च 2024 तक देव गुरु मेष राशि में ही बलवान अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इस समयावधि में देव गुरु सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालने वाले हैं। इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति की प्रभावी अवस्था तुला राशि वाले जातकों को किन किन मामलों में शुभता प्रदान करने वाली है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों, देव गुरु बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिनको देवताओं का भी गुरु कहा जाता है और ये सबसे प्रभावशाली और सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु को शिक्षा, धन, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन, नियम, दर्शन, आध्यात्मिक कार्य, इन सब विषयों का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर देव गुरु का ही प्रभाव होता है। बृहस्पति सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं। इनका व्यास सभी नवग्रहों में सबसे ज्यादा लंबा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर बृहस्पति जन्म कुंडली पर बलवान होते हैं तो प्रसन्न चित्त, ईमानदार और धैर्यवान बनाते हैं। देव गुरु बृहस्पति के बली प्रभाव से भाग्य में वृद्धि होती है, वहीं जान और समृद्धि की खोज में जातक अग्रसर रहता है और उसे सफलता भी आसानी से मिलती है। गुरु बलवान होते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति, उत्तम कुल में विवाह, वैवाहिक पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलता है, वहीं संतान के सौभाग्य में वृद्धि भी देखने के लिए मिलती है। वहीं गुरु का नकारात्मक प्रभाव, यदि जन्म कुंडली पर गुरु शनि राहु केतु के प्रभाव में हो या नीचस्त अवस्था में विराजित हो, वैवाहिक जीवन में परेशानियां, विवाह में विलंब का सामना करना पड़ता है, संतान को लेकर कष्ट, शिक्षा में अवरोधों का सामना, वहीं पेट में बीमारी, थायराइड की समस्या, पेट में फैट बनने की प्रॉब्लम, डायबिटीज की बीमारी भी गुरु के पीड़ित होने पर मिलती है। जब जन्म कुंडली पर गुरु की अवस्था काफी खराब हो तो गुरु जनित उपाय करके इनको ठीक भी किया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में 19 जनवरी 2024 से लेकर 10 मार्च 2024 तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। देव गुरु बृहस्पति तुला राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव और रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो आपके सप्तम भाव पर बलवान हो रहे हैं। कुंडली के सप्तम भाव को केंद्र भाव कहा जाता है। इस भाव से वैवाहिक जीवन, साझेदारी, डेली वेजेस के इनकम के बारे में, विवाह के बारे में जानकारी अर्जित की जाती है। सप्तम भाव पर प्रभावी देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव पर जाने वाली है। नवम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाने वाली है। परिणाम स्वरूप तुला राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बृहस्पति का आपके सप्तम भाव पर प्रभावी होना 19 जनवरी से आपके जीवन में आपके मनोबल, उत्साह में वृद्धि करवाने वाला है और आपके मन में सकारात्मकता बढ़ाने वाला है। पिछले समय से बहुत सारे तुला राशि वाले जातक मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं और मन में कई प्रकार की उलझन यदि आपको चल रही है तो देव गुरु बृहस्पति आपको मानसिक परेशानियों से आपको निजात देने वाले हैं। सप्तम भाव पर बलवान बृहस्पति के प्रभाव से यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है, दाम्पत्य सुखों में आसानी से आपको वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है।
देव गुरु बृहस्पति आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करने वाले हैं। देव गुरु की पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव पर जाने वाली है। इसकी वजह से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कई स्रोतों से धन लाभ की संभावना भी इस समयावधि में दिखाई दे रही है। हालांकि देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव पर प्रभावी हैं, तो यदि आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं सोच विचार कर ही आपको निवेश करना चाहिए। शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं, यहां पर सावधानी पूर्वक ही आपको निवेश करना है। तुला राशि वाले जातकों, यदि आप अविवाहित हैं, विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, तो गुरु इस समयावधि में आपके जीवन में नए वैवाहिक प्रस्ताव दे सकते हैं और आपके विवाह होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। वर्तमान में देव गुरु बृहस्पति के ही शुभ प्रभाव से इस समय अंतराल में पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत ही शानदार रहने वाली है। नवम दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की आपके तीसरे भाव पर जाने वाली है। इसकी वजह से भाई बहनों का भरपूर सहयोग आसानी से आपको मिल सकता है। वर्तमान में देव गुरु बृहस्पति आपके सिक्स हाउस यानी रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं और ये सप्तम भाव पर प्रभावी होंगे, तो यहां पर आपको इस समयावधि में बहुत सारे तुला राशि के ऐसे जातक जिनको मोटापे की, डायबिटीज की, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है या पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या यदि आपको परेशान कर रही है, इन सभी समस्याओं से देव गुरु बृहस्पति आपको निजात देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों, इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिल सकता है। सावधानियों की जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों को बृहस्पति जन्य शुभता को जीवन में अर्जित करने के लिए सबसे पहले अति उत्साह से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके व्यक्तिगत जीवन में यदि आपको बड़े बुजुर्ग व्यक्ति सही अनुभव या सही राह दे रहे हैं, उसको आप अपने जीवन में अनुसरण करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों, इस समयावधि में बेहतर स्थिति जीवन के हर क्षेत्रों में निर्मित करने के लिए क्षणिक गुस्से से आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। उपाय की जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए यदि आप बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में पीली चीजों का यदि आप दान करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। इसमें आप चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले या पीले पकवान का दान जरूरतमंद लोगों में करते हैं, तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः।